वेलकम फ्रेंड्स, अब हम सबस्पेस में आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास थ्योरम है, प्रूव दैट एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम सबस्पेसेस का ऑफ ए वेक्टर स्पेस, वो भी क्या होगा हमारे पास, सबस्पेस होगा। तो हम क्या ले रहे हैं प्रूफ में, हम लेंगे कि हम मान लेते हैं लेट डब्लू लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ये हमारे पास क्या है, बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सबस्पेसेस ऑफ वी एफ। जो लैम्डा है हमारे पास, ये इंडेक्स सेट बोलते हैं हम इसको, और ये सबसेट होता है, लैम्डा इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में तो हमारे पास क्या जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7 ऐसे आते हैं, जबकि लैम्डा सेट में क्या आते हैं, बीच बीच में आ जाते हैं, जैसे कि 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6, 7 ऐसे आ गया। तो हमारे पास क्या है कि डब्ल्यू लैम्डा हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन मान लिया हमने सब स्पेसिस का, ठीक है। तो हमने प्रूव, हम डब्ल्यू को क्या मान लेते हैं, इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स डब्लू लैम्डा। ये तो डब्लू लैम्डा जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, मींस फैमिली हो गई सब स्पेसिस की, हमने डब्लू को क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया, और हमने प्रूव भी यही करना है, टू प्रूव कि डब्लू जो है हमारे पास, डब्लू इज ए सबस्पेस ऑफ वी एफ, वी एफ का डब्लू भी एक सबस्पेस हो। तो जो डब्लू है हमारे पास, ये क्या है, इंटरसेक्शन हो गए आर्बिट्रेरी फैमिलीज का। हमें पता है एज सारे डब्लू लैम्डा जो भी है, डब्लू लैम्डा जो है, लैम्डा की वैल्यू 1, 2, 3 जो भी है, सभी के लिए क्या है, सबस्पेस है। तो हमें पता है जो जीरो है वो हर डब्लू लैम्डा में बिलोंग करेगा, क्योंकि सभी सबस्पेसिस है, जीरो बिलोंग्स टू डब्लू लैम्डा फॉर ईच लैम्डा, हर लैम्डा के लिए करेगा, बिकॉज ईच डब्लू लैम्डा इज ए सबस्पेस। हमें पता है हर डब्लू लैम्डा हमारे पास क्या है, सबस्पेस है, ठीक है। सो जो जीरो है वो हर डब्लू लैम्डा में बिलोंग कर रहा है, लैम्डा बिलोंग हर लैम्डा के लिए। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जीरो जो है वो हर डब्लू लैम्डा में बिलोंग कर रहा है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, डब्लू जीरो बिलोंग्स टू डब्लू लैम्डा फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। मींस जो जीरो है वो डब्लू में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो क्या था हमारे पास, ये डब्लू था, सो जीरो जो है वो डब्लू में भी आ गया। तो हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि जो डब्लू है, जैसा कि पीछे वाली थ्योरम में हमने किया था, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। सो डब्लू जो है वो हमारे पास क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। और डब्लू क्या हो गया हमारे पास, सबसेट हो जाएगा जो हमने वी एफ लिया है उसका, ठीक है। सो अब हमें प्रूव क्या करना है, डब्लू को ही सबस्पेस प्रूव करना है। सो हम क्या करते हैं, लेट ए बी हम ले लेते हैं एफ से, और यू वी हम कहाँ से ले लेते हैं, डब्लू से ले लेते हैं, ठीक है। एज हमें पता है, एज यू वी जो है वो डब्लू में है, मीन्स यू वी डब्लू से हमने लिया है, मीन्स यू वी हमने कहाँ से लिया है, यू वी हमने लिया है इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स डब्लू लैम्डा, डब्लू लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, इससे लिया है, इंटरसेक्शन से लिया है हमने यू वी। अगर हमने इंटरसेक्शन से लिया है तो जो यू वी है बिलोंग करेगा डब्लू लैम्डा से फॉर ईच लैम्डा, हर लैम्डा के लिए यू वी डब्लू लैम्डा में बिलोंग भी करेगा, इंटरसेक्शन से लिया तो हर एक में भी होगा, ठीक है। तो एज हमें पता है, इंटरसेक्शन का तो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमने डब्लू लैम्डा का पता है कि ये क्या है, सबस्पेस है, तो हम यू वी डब्लू लैम्डा से ले सकते हैं हर लैम्डा के लिए, इंटरसेक्शन में है तो हर एक में भी होगा, ठीक है। सो एज डब्लू लैम्डा इज ए सबस्पेस, हमें पता है डब्लू लैम्डा क्या है, एक सबस्पेस है फॉर ईच लैम्डा, हर लैम्डा के लिए। सो बाय डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए यू
प्लस बी वी है वो भी डब्ल्यू लैम्बडा में आ जाएगा फॉर ईच लैम्बडा, हर लैम्बडा के लिए आ जाएगा। जब ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू लैम्बडा में आ रहा है हर लैम्बडा के लिए, लैम्बडा की कोई भी वैल्यू ले लो, डब्ल्यू वन ले लो, डब्ल्यू थ्री ले लो, सॉरी लैम्बडा की वैल्यू वन ले लो, थ्री फाइव जो भी ले लो, सब पे आ रहा है ए यू प्लस बी वी इसमें डब्ल्यू लैम्बडा में। सो इसका मतलब क्या है कि ए यू प्लस बी वी जो है वो डब्ल्यू लैम्बडा, लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स, इंटरसेक्शन में भी आएगा, ठीक है, ए यू प्लस बी वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू लैम्बडा में भी आएगा, लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जब ये इंटरसेक्शन में आ गया तो इसका मतलब ए यू प्लस बी वी जो है वो इंटरसेक्शन में आया था, तो मतलब डब्ल्यू में भी आ गया। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हैंस डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ वी एफ। सो हमारे पास जो डब्ल्यू लैम्बडा, सॉरी ए यू प्लस बी वी है डब्ल्यू में आ गया, तो डब्ल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, सबस्पेस आ गया वी एफ का। तो एक बार इसको शुरू से देख लेते हैं, क्या किया थ्योरम हमारे पास क्या थी, प्रूव दैट एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, कोई भी आर्बिट्रेरी सबस्पेस हमने ले ली, फैमिली ले ली सबस्पेसेस की डब्ल्यू लैम्बडा, वो भी क्या होगा, सबस्पेस होगा किसी वेक्टर स्पेस का, ठीक है, कोई भी फैमिली है उनका इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होगा किसी वेक्टर स्पेस के लिए। तो प्रूफ में हम क्या ले लेते हैं, पहले आर्बिट्रेरी फैमिली ले ली डब्ल्यू लैम्बडा, लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स बी, एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सबस्पेसेस ऑफ वी एफ। तो डब्ल्यू हम क्या मान लेते हैं, इंटरसेक्शन मान लेते हैं इन सभी फैमिलीज का, लैम्बडा की जितनी भी वैल्यूज ले लेंगे उन सभी का इंटरसेक्शन। हमें प्रूव क्या करना है, जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सेट है, वो हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू इज ए, ये डब्ल्यू होगा हमारे पास, डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ वी एफ, डब्ल्यू हमारे पास वी एफ का सबस्पेस होगा। हमें पता है जो जीरो है वो डब्ल्यू लैम्बडा में होगा हर लैम्बडा के लिए, क्योंकि डब्ल्यू लैम्बडा हमारे पास क्या है, सबस्पेस है, डब्ल्यू लैम्बडा हमारे पास सबस्पेस है। सो जो डब्ल्यू जीरो है वो हर डब्ल्यू लैम्बडा में होगा लैम्बडा की हर वैल्यू के लिए, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। सो जीरो जो है वो डब्ल्यू में आ गया, मीन्स डब्ल्यू हमारे पास क्या आ गया, नॉन एम्प्टी आ गया। तो हम इस सेट में से जो सेट हमने नॉन एम्प्टी प्रूव किया है उसी को हमने क्या प्रूव करना है, सबस्पेस प्रूव करना है, ठीक है। सो ए बी हम एफ से ले लिया और यू वी हमने कहाँ से ले लिया, डब्ल्यू से ले लिया। तो एज यू वी जो है हमने डब्ल्यू से लिया है, मीन्स यू वी इंटरसेक्शन से लिया है, यू वी इंटरसेक्शन में है तो हर एक डब्ल्यू लैम्बडा में भी होगा, मीन्स यू वी डब्ल्यू लैम्बडा में भी होगा फॉर ईच लैम्बडा, हर लैम्बडा के लिए होगा। सो हमें पता है एज डब्ल्यू लैम्बडा इज ए सबस्पेस फॉर ईच लैम्बडा, जो डब्ल्यू लैम्बडा है वो सबस्पेस है लैम्बडा की हर वैल्यू के लिए। सो डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू लैम्बडा में आएगा फॉर ईच लैम्बडा। सो ए यू प्लस बी वी हर डब्ल्यू लैम्बडा में आ रहा है, तो इसका मतलब हर में आ रहा है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी आएगा, ए यू प्लस बी वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू लैम्बडा में भी आएगा, लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स। सो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए यू प्लस बी वी जो है इंटरसेक्शन में आ रहा है, मीन्स डब्ल्यू में आ रहा है, ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू में आ रहा है, मीन्स यहाँ से क्या होगा, डब्ल्यू एक सबस्पेस हो जाएगा वी एफ का। सो अब हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम क्या है हमारे पास, द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ए सबस्पेस इफ एंड only if one is contained in other। क्या है हमारे पास थ्योरम कि यूनियन जो है ऑफ टू सबस्पेसिस, दो सबस्पेसिस का यूनियन, यूनियन ऑफ टू सबस्पेसिस इज ए सबस्पेस। कोई भी दो सबस्पेस है हमारे पास, उनका यूनियन सबस्पेस कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तभी होगा इफ वन इज कंटेंट इन दी अदर, मीन्स जो भी दोनों सबस्पेस है हमारे पास वो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो, दोनों एक दूसरे में कंटेंट हो। अदरवाइज नॉर्मली अगर यूनियन दो सबस्पेसिस की बात करें तो वो सबस्पेस हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यू कैन सी इन योर बुक कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेसिस मे नॉट बी ए सबस्पेस, ठीक है। लेकिन ये थ्योरम जो है हमारे पास ये क्या बोल रही है कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेसिस इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर, अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो वो क्या होंगे, सबस्पेस होंगे। सो हमारे पास ये हो गया। सो हम क्या मान लेते हैं प्रूफ के लिए,
हमारे पास क्या है थ्योरम में, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेंट इन द अदर। तो हम पहले तो क्या करेंगे, पहले तो इस कंडीशन को मान लेंगे कि डब्लू वन, पहले तो देखते हैं कि क्या है हमारे पास, लेट डब्लू वन डब्लू टू बी टू सबस्पेसेस ऑफ वी एफ। डब्लू वन और डब्लू टू हमारे पास क्या है, सबस्पेसेस हैं, दो सबस्पेसेस हैं वी एफ के। अब इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन मान लेंगे। पहले तो क्या मानेंगे, पहले तो सपोज कर लेंगे कि फर्स्ट सपोज दैट ईदर इज कंटेंड इन दी अदर, कि इनमें से कौन सा भी सेट एक दूसरे का सबसेट है, मीन्स या तो पहले वाला दूसरे का सबसेट है या दूसरे वाला पहले का सबसेट है, ठीक है। सो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव डब्लू वन यूनियन डब्लू टू इज ए सबस्पेस। पहले ये कंडीशन मान ली, दोबारा हम क्या मान लेंगे, W1 यूनियन W2 को हम क्या मान लेंगे, सबस्पेस मान लेंगे, और ये वाली चीज प्रूव करेंगे कि इधर इज कंटेंट इन दी अदर, ठीक है। सो हमने क्या मान लिया, फर्स्ट सुपोज कर लिया कि इधर इज कंटेंट इन दी अदर। सो दोनों इधर इज कंटेंट इन दी अदर मान लिया कि अगर पहले हम माने इफ, हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि W1 यूनियन W2 एक सबस्पेस प्रूव करना है। अगर हम पहले मान ले कि इफ, हमने मान लिया कि इफ W1 सबसेट है W2 का, हमने क्या माना कि W1 अगर W2 का सबसेट है तो W1 जो है वो W2 में कंटेन है, तो इन दोनों का यूनियन मींस W1 यूनियन W2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि W1 W2 में है तो W2 के इक्वल ही आ जाएगा। सो यूनियन जो है हमारे पास W1 यूनियन W2, हमारे पास W2 आ गया है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एंड हैंस W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस हो जाएगा VF का, क्योंकि W2 भी तो हमारे पास क्या है, सबस्पेस है। तो W1 यूनियन W2 हमारे पास क्या हो गया, सबस्पेस हो गया। ऐसे ही अगर हम मान ले इफ W2 इज ए सबसेट ऑफ W1, देन जो W2 है हमारा वो W1 में कंटेन है, सारा का सारा W1, सॉरी W2 जो है सारा का सारा वो W1 में है, तो यूनियन W1 यूनियन W2 हमारे पास कितना हो जाएगा, W1 के इक्वल हो जाएगा। और जो W1 है हमारे पास वो सबस्पेस है, सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एंड हैंस W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस। पहले हमने ये करा था, अब कन्वर्सली क्या सुपोज कर लेते हैं, कन्वर्सली सुपोज कर लेते हैं कन्वर्सली सुपोज दैट W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस। अब हमने W1 यूनियन W2 को सबस्पेस मान लिया है, और अगर हमने W1 यूनियन W2 को सबस्पेस मान लिया तो अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ईदर W1 या तो W1 कन्वर्सली हमने क्या सुपोज कर लिया कि W1 यूनियन W2 एक सबस्पेस है, कन्वर्सली हमने सुपोज कर लिया W1 यूनियन W2 सबस्पेस है, तो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ईदर W1 इज ए सबसेट ऑफ W2, सबसेट ऑफ W2, और W2 इज ए सबसेट ऑफ W1, या तो W1 W2 का सबसेट हो या फिर W2 W1 का सबसेट हो। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, वी शैल प्रूव द रिजल्ट, जो ये रिजल्ट है इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे हम, वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर लेंगे कि मानेंगे कुछ मान के चलेंगे और वो गलत आ जाएगा, तो इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है, उसका वो अपोजिट होगा। तो अब हम क्या मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल, हमें प्रूव क्या करना है कि इधर इज कंटेंट इन द अदर, हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे तो मतलब इसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे कि लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट
neither W1 is a subset of W2 nor W2 is a subset of W1. हमने क्या मान लिया कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो कि ना तो W1 W2 का सबसेट है और ना ही W2 W1 का सबसेट है, और अगर हमारा ये रिजल्ट जो हमने माना है ये गलत आ जाता है तो इसका मतलब ये जो चीज हमने प्रूव करनी है वो प्रूव हो जाएगी कि भाई W1 या तो W1 W2 का सबसेट है या फिर W2 W1 का सबसेट है. सो हम आगे क्या करते हैं. Therefore, there exist an element. हम क्या मान लेते हैं कि एक एलिमेंट मान लेते हैं हम UV. UV हमने एलिमेंट माना किस हिसाब से, सच दैट U जो है, हमने U और V एलिमेंट्स ले लिए हैं कि U तो जो है वो W1 में है लेकिन जो U है वो W2 में नहीं है. ऐसे ही जो V है वो W2 में तो है लेकिन जो V है वो W1 में नहीं है. क्या माना हमने, U और V दो, देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट UV. हमने UV एलिमेंट ले लिया, इस हिसाब से ले लिया कि U W1 में है लेकिन U W2 में नहीं है. ऐसे ही V हमने मान लिया W2 में, V W1 में हमने नहीं माना. तो अब यहाँ से देखें हम, जो UV है, U जो है वो W1 में है, V जो है वो W2 में है. तो जो U और V हम लेंगे वो किस में, इनके यूनियन में बिलोंग करेगा, belongs to W1 union W2. U हमने ले लिया W1 से, V हमने ले लिया W2 से. तो जो UV है वो W1 union W2 में आएगा. लेकिन हमें पता है, हमने अब की बार क्या माना है कि जो W1 union W2 है हमने उसको सबस्पेस माना है अब की बार. सो बट W1 union W2 इज ए सबस्पेस. W1 union W2 हमने क्या माना है, सबस्पेस माना है. सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सबस्पेस की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. उसमें क्या लिख सकते हैं हम, U माइनस V भी जो है वो W1 union W2 में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया. U माइनस V भी W1 union W2 में आएगा. सो अब दो केसेस होंगे हमारे पास, टू केसेस अराइजेस, कि U माइनस V जो है वो हमारे पास W1 union W2 में है. तो दो केस अराइज होंगे. पहला केस तो क्या होगा कि भाई जो W U माइनस V है, पहले क्या मान लेते हैं कि U माइनस V W1 में आएगा. दूसरा केस क्या होगा कि जो U माइनस V है वो W2 में आएगा, क्योंकि U माइनस V W1 union W2 में है. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दोनों में है, या तो इसमें होगा, लेट U माइनस V W1 में है, U माइनस V W2 में. हमने दो केस मान लिए. तो पहले केस के लिए करते हैं कि U माइनस V हम W1 में अगर मान के चलें, और W1 में हमारे पास क्या है, आल्सो U भी हमारे पास W1 में है, और हमें पता है जो W1 है हमारे पास, ये W1 क्या है हमारे पास, सबस्पेस है. W1 इज ए सबस्पेस. सो ये क्या होगा, ऐड कर दे अगर हम इनको तो भी W1 में, W1 जो है एडिशन में क्या होगा हमारे पास, क्लोज होगा. मींस U माइनस U माइनस V भी W1 में आएगा. यहाँ पे माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि ये एडिटिव इनवर्स वाली कंडीशन रखती. सो U माइनस V भी W1 में आएगा हमारे पास. तो इनको अगर आगे ऐड करें तो हमारे पास U माइनस U प्लस V भी W1 में आएगा. सो जो V है हमारे पास वो कितना आ गया, सॉरी यहाँ से U माइनस V भी W1 में आएगा. सो यहाँ से U माइनस U प्लस V भी W1 में आएगा, मीन्स V W1 में आ गया हमारे पास. तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास, एक कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गई, एज V बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू W1. एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि V W1 में नहीं है, ठीक है. दूसरा केस क्या लेते हैं कि भाई U माइनस V जो है वो W
टू में. सो ऑल्सो हमें पता है जो वी है वो डब्लू टू में है, ठीक है. सो जो डब्लू टू है हमारे पास वो क्या है, वी जो है हमारे पास डब्लू टू में है. ऑल्सो डब्लू इज ए, सॉरी डब्लू टू इज ए सबस्पेस. सो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, u माइनस वी, इनको ऐड कर देंगे, u माइनस वी प्लस वी भी डब्लू टू में आएगा. मीन्स जो u है यहाँ से हमारे पास जो u है वो डब्लू टू में आ गया. तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन एज u डज नॉट बिलोंग्स टू डब्लू टू, ठीक है. सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हैंस आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत है. सो या तो सो इधर डब्लू वन सबसेट है डब्लू टू का, या फिर डब्लू टू सबसेट है डब्लू वन का. तो जो हमने माना था वो गलत हो गया, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन से हमने जो माना था उसके जस्ट अपोजिट आ रहा है. तो हमारा जो सुपोजिशन है वो रॉन्ग है. तो इस हिसाब से क्या बोल सकते हैं, या तो डब्लू वन डब्लू टू का सबसेट है, या फिर डब्लू टू डब्लू वन का सबसेट है. सो थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में. और आप कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट.